धर्म प्रेमी सज्जनों, सबको मेरा सादर प्रणाम। धर्म का पांचवा लक्षण है शौच। शौच कहते हैं पवित्रता। बाहरी और आंतरिक पवित्रता। बाहरी यानी वस्त्रों से, शरीर से हम पवित्र हों, हमारे वस्त्र पवित्र हों, हमारा वातावरण, आसपास का वातावरण पवित्र हो, वायुमंडल पवित्र हो, ये बाहरी स्वच्छता है, पवित्रता है। हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास में पवित्रता हो, हम जिस बिस्तर पर बैठते हैं, जिस मकान पर, जिस निवास पर निवास करते हैं, वो पवित्रता हो। उसके बाद हमारे शारीरिक रूप से हम पवित्र हों, ये बाहरी पवित्रता है। और एक आंतरिक पवित्रता है। आंतरिक पवित्रता किस प्रकार से हो सकती है, तो इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। कहा गया, अद्भी गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। शरीर की शुद्धि या वस्त्रों की शुद्धि होती है जल से। अद्भी गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्धति। मन की शुद्धि किससे है? मन, वचन और कर्म से सत्यता का पालन करने से मन की शुद्धि होती है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या से हमारा अंतस्करण शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्धि हो जाती है। बुद्धि की शुद्धि हो जाने से अंतस्करण की शुद्धि हो सकती है, हमारा मन, चित्त, बुद्धि इत्यादि ये शुद्ध हो सकती है। और तप से अंतरात्मा की शुद्धि होती है। और तप किसको कहते हैं? सत को मन, वचन और कर्म से प्राप्त करने की चेष्टा करना, उस मार्ग पर आरूढ़ होना, उस मार्ग पर चलना, इसको कहते हैं तप। ये सात्विक तप है। हम शरीर को कष्ट देंगे या भोजन नहीं करेंगे या ज्यादा करेंगे या किसी विषय पर हम अत्यधिक परहेज करेंगे, तो ये सात्विक तप नहीं है। हम शरीर को सुखाएंगे तो क्या हुआ? हमारा मन, अंतस्करण तो शुद्ध नहीं हो सकता। हमारी अंतरात्मा के अंदर जो एक ज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है वो तो दूर नहीं हो सकता। हमारे पास सद्बुद्धि हो, विद्या हो, ब्रह्मज्ञान का प्रवेश हो, निवास हो, उसका प्रकाश हमारी अंतरात्मा में होता रहे और हम उस पर चलने की जो चेष्टा करते हैं, इसी को कहते हैं सत्य का मार्ग। तो उससे सत्य का पालन करना, इससे क्या होगा? हम अंदर से हमारी शुद्धि होती है। श्री प्राणनाथ जी ने तारतम वाणी में हमारी अंतरात्मा की शुद्धि के लिए एक दो बड़ी मार्मिक चौपाई उन्होंने कही है। कहा है, निष्दिन ग्रहिये प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याहिशो और धाम वर्णन। दिन रात हम परब्रह्म के प्रेम में इतना डूब जाए, उनके स्वरूप को हम हृदय में धारण करें, उनके आनंद को हम अपने हृदय में महसूस करें और उस दिव्य नूरी स्वरूप में हम ऐसे एक रस हो जाएं कि हम शरीर और संसार से परे होकर के आत्मिक दृष्टि से उस ब्रह्मानंद में जब हम सराबोर होकर के उसमें गोता लगाने लगेंगे, तो हमारे अंदर वो आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। तो इसको कहते हैं सत के संगति में आना, सत से मिल जाना और सत्य को धारण करना और सत में ओतप्रोत होना। तो ये इस प्रकार से हमारी अंतरात्मा की पवित्रता हो सकती है। ब्रह्म के प्रेम में, चिंतन में, ध्यान में डूब जाएं, उनसे इतना प्रेम लगाएं, निस्दिन ग्रही प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याहिसो। हमारे अंतरात्मा को, हमारी अंतरात्मा को निर्मल यानी स्वच्छ और पवित्र करने का यही एक उपाय है। और एक चौपाई आगे कही है, इन विद नरक से छूटिए और उपाय कोई नहीं। इसी प्रकार से हम नरक को छोड़ सकते हैं। नरक कहते हैं दुख को, दुख के कारण को, या उस दुख से हम किस प्रकार से छूटना चाहते हैं, जिससे हम पीड़ित हो रहे हैं, उसको कहते हैं नरक। और स्वर्ग कहते हैं विशेष सुख का स्थान। लेकिन ये नरक और स्वर्ग ये भौतिक पदार्थ हैं, लेकिन परमानंद की प्राप्ति इन सब से परे होकर के अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। उस अखंड आनंद की प्राप्ति के लिए हमें ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान, ब्रह्म के स्वरूप से प्रेम, उनसे हमारा अखंड संबंध और
उस स्वरूप को हर हमेशा हम प्रेम पूर्वक हृदय में धारण करके उसमें ओतप्रोत रहें, ये ब्रह्मानंद का रस है। उसी ब्रह्मानंद के रस को हम अपने हृदय में धारण करें तो इससे हमारी अंतरात्मा की पवित्रता है, निर्मल होना यह ईश्वर और धाम वर्णन इन विद नरक से छुटिए और उपाय कोई नहीं। महामती जी कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है। ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त किए बिना, उनके ज्ञान से अपने हृदय को प्रकाशित किए बिना और उस स्वरूप में ओतप्रोत हुए बिना और कोई भी इस नरक से, इस माया से, इस संसार से, इस नश्वरता से छूटने का कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। और धाम वर्णन नित्य प्रति हम ब्रह्म के धाम का, ब्रह्म के स्वरूप का, ब्रह्म के गुणों का चिंतन करें, मनन करें और उसमें हम एक रूपता को प्राप्त होए और बार बार हमारी अंतरात्मा के अंदर उसी चीज का आभास होने लगे और उसका दिग्दर्शन होने लगे, उसके हम सानिध्य में रहें, वो हमारे निकट में रहें और हम उनके निकट में पहुंचे। यही एक निर्मल होने का, पवित्र होने का एक सर्वोत्तम उपाय बताया गया है। बाकी ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने बहुत सारे पवित्रता के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। जैसे जवेरातों की पवित्रता तराशने से होती है, धातु की पवित्रता उसको अग्नि में प्रविष्ट करा करके जलाने से, स्वर्ण इत्यादि अन्य धातुओं को यदि हम अग्नि में जला देते हैं तो उसके सारे विकार दूर हो जाते हैं। भूमि को हम यदि गोबर से लीपते हैं या जल से धोते हैं, किसी भी प्रकार से गौमूत्र इत्यादि छिड़क करके उनके कीटाणुओं को दूर कर सकते हैं, भूमि की शुद्धि इस प्रकार से कर सकते हैं, वस्त्रों को और शरीर को पानी से शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के अभाव में, ब्रह्म के स्वरूप के प्रेम के अभाव में, ध्यान चिंतन और उनके योग के अभाव में हम अंतस्करण को, अपनी आत्मा की अज्ञानता को दूर करके ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं आंतरिक पवित्रता। केवल शारीरिक पवित्रता करना ही धर्म का लक्षण नहीं है, लेकिन धर्म का साधन शरीर होने से बाहरी पवित्रता के साथ साथ में आंतरिक पवित्रता हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। केवल शरीर को नहाने धोने और लिपने पोतने से, इसको श्रृंगार करने से या इसकी लापरवाही करने मात्र से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। इसमें संतुलन बनाना पड़ता है, शारीरिक पवित्रता भी हो, हमारे आसपास के वातावरण भी पवित्र हो और हम जिस परिवार में, जिस समुदाय में रहते हैं वहाँ के विचार पवित्र हो, वहाँ की वाणी पवित्र हो, वहाँ का खान पान पवित्र हो और जिस ब्रह्म के पवित्र स्वरूप को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा शरीर, मन, अंतस्करण और आत्मा की पवित्रता भी बहुत अधिक जरूरत है। इसीलिए ये अपरिहार्य होने के कारण इसको, शौच को धर्म के लक्षणों के अंदर रखा गया है। तो सभी सज्जनों से मैं निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार से शौच यानी बाहरी और आंतरिक पवित्रता का हम पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ में सबको मेरा